गलियारे से एक ऐसी खबर आ रही है, मिथिला के कद्दावर नेता साथ ही साथ दरभंगा से पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी साहब ने जदयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, वे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव थे, साथ ही साथ जदयू के पद पर बने हुए थे। और उनके बारे में बताता चलूं कि वे दरभंगा से 4 बार सांसद रह चुके हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, आज ये खबर बिल्कुल राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली है कि उन्हें मधुबनी से हो सकता है कि राजद का दावेदार बनाया जा सकता है। वो कल हो सकता है, इसे सूत्र के हवाले से खबर मिली है कि वो कल राजद ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप सभी को मैं बताता चलूं कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब उन्हें दरभंगा सीट नहीं दिया गया, दरभंगा से लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो उन्होंने पार्टी राजद से इस्तीफा दे दिया था और जदयू का दामन थाम लिया था। उसके बाद वे लगातार 5 वर्षों से जदयू में बने हुए थे। तो अब मधुबनी लोकसभा के लिए बहुत दिलचस्प बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन अली अशरफ फातमी साहब को राजद से उम्मीदवार बनाती है या नहीं। आप सभी जनता से हम चाहेंगे कि आप भी अपनी अपनी राय दें कि मधुबनी से इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार बने। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी मधुबनी से ऐसी पूरी संभावना है कि अशोक यादव जो वर्तमान सांसद हैं उन्हीं को टिकट दे सकती है। फिलहाल मधुबनी एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। आपको यह मैं बताता चलूं कि ये यहाँ से बहुत बड़े बड़े कद्दावर सांसद भी रह चुके हैं। जी हाँ, मधुबनी लोकसभा जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, साथ ही साथ ब्राह्मण और यादवों की भी बहुत ज़्यादा संख्या है, तो देखने वाली बात होगी। ऐसा सुनने को मिल रहा था कि यहाँ से देवेंद्र प्रसाद यादव को भी टिकट मिल सकता है। गुलाब यादव की चर्चाएं भी तेज हैं। देखने वाली बात होगी क्या अली अशरफ फातमी को टिकट यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता है। और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।